स्टूडेंट वेलकम बैक टू माई यूट्यूब चैनल। तो आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगी रीनल फंक्शन टेस्ट। हम सिर्फ इसका मैक्रोस्कोपिक एग्जामिनेशन पढ़ेंगे, ठीक है। फिर जो माइक्रो और केमिकल है वो मैं नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगी। तो चलो शुरू करते हैं। टू डायग्नोज द डिसीज़ और डिसऑर्डर ऑफ किडनी एंड यूरिनरी ट्रैक एंड अदर सिस्टमेटिक डिसीज दैट अफेक्ट द किडनी फंक्शनिंग, मतलब कि किडनी फंक्शन टेस्ट, जो रीनल फंक्शन टेस्ट है वो हम क्यों करते हैं। जैसे कोई भी किडनी प्रॉपर फंक्शन नहीं कर रही है, कोई भी डिसीज़ हो रही है या फिर कोई भी डिसऑर्डर हो रहा है, उस वजह से वो प्रॉपर फंक्शन नहीं कर पा रही है, तो हम रीनल फंक्शन टेस्ट करते हैं। ये तीन तरीके के एग्जामिनेशन होते हैं, मैक्रोस्कोपिक एग्जामिनेशन, माइक्रोस्कोपिक एग्जामिनेशन और केमिकल एग्जामिनेशन। माइक्रो का मतलब तो हो गया माइक्रोस्कोप में जो हम करेंगे, ठीक है। मैक्रो का मतलब होता है कि फिजिकल एग्जामिनेशन, और केमिकल आप लोगों को पता है जो हम बायोकेमिकल करते हैं, ठीक है, केमिकल से। तो सबसे पहले मैक्रो में क्या क्या है, वॉल्यूम देखेंगे, कलर देखेंगे, उसका ऑर्डर देखेंगे और पीएच, स्पेसिफिक ग्रेविटी। सबसे पहले इसका पीएच देखते हैं। तो हमको पता है कि अडल्ट और चिल्ड्रन में कितना होता है, जो यूरिन का पीएच होता है 4.6 से 8 तक का होता है, ठीक है, और न्यूबॉर्न में 5 से लेकर 7 ज़्यादातर क्या होता है, एसिडिक ही होता है, ठीक है। फिर हम देखेंगे इसका कलर क्या होता है। तो हमको पता है यूरिन इज़ अ पेल येलो ड्यू टू यूरोक्रोम की वजह से, ये एक पिगमेंट होता है। बट अब नॉर्मल कलर आर ऑब्जर्व ड्यूरिंग डिसीज स्टेज, मतलब कि अगर कोई डिसीज़ हो गई है तो कैसे कैसे कलर शो होंगे, वेरियस कलर आर कॉरस्पॉन्डिंग डिसीज, कैसे कैसे देखो मैं बताती हूँ। सबसे पहले रेड है, तो रेड किस वजह से, हिमेटूरिया या फिर अगर आपने बीटरूट का जूस ज़्यादा पी लिया है तो उस वजह से होगा। ब्लू कब होगा, कोलेरा, विब्रियो कोलेरा जो एक बैक्टीरिया है, उस जब वो आपको डिसीज हो जाएगी, उससे इन्फेक्शन हो जाएगा कैसा भी, तो ब्लू कलर का यूरिन शो होगा। फिर है येलो ब्राउन, बिलरुबिन की वजह से होता है। बिलुवर्डिन जो कि इसी की फॉर्म है, वो येलो ग्रीन कलर शो करती है। ऑरेंज होता है फीवर की वजह से, और ब्लैक होता है मेलेटोनिन पिगमेंट की वजह से, जो कि हमारे स्किन के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। अब देखो ऑर्डर क्या होता है इसका, स्मेल आर यूरिन इज यूजली लाइट पंजेंट स्मेल होती है, ठीक है। फिर आती है बात वॉल्यूम की, तो हमें पता है नॉर्मल कितना होता है, 1.2 से 5 लीटर पर डे नॉर्मल होता है, और ये डिपेंड कर सकता है हमारे ओवरऑल वाटर इंटेक पे, ठीक है। तीन कंडीशन होती है, पॉलीयूरिया, ओलिगोयूरिया और एनयूरिया। पॉलीयूरिया मतलब होता है कि एक्सेस यूरिनेशन होता है, मतलब इंक्रीज इन यूरिन लेवल। ओलिगोयूरिया मतलब डिक्रीज इन यूरिन लेवल, और एनयूरिया मतलब कि बहुत ही ज़्यादा, कम से कम 100 ml, बहुत ही कम हो जाता है, लेस देन 100 ml पर डे यूरिनेशन होता है, ठीक है। फिर आता है स्पेसिफिक ग्रेविटी, नॉर्मल कितनी होती है, 1.001 से 1.040, ठीक है। फिर आता है केमिकल एग्जामिनेशन, वो पढ़ेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में। तो अगर आपको इसमें से कोई भी डाउट हो तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू।